अच्छा वो ऊपर जो आप घर देख रहे हैं ना वो हमारा घर है, और ये जो नीचे है ना ये हमारे मामू का घर है। ये आप देख सकते हैं ये घर बना हुआ। आंटी कह रही हैं इस तरह गांव में तस्वीरें बना रहे हो जैसे पता चल रहा है गांव में कभी आए हुए नहीं हो। इतने सख्त पोज जिनकी तस्वीरें नहीं जान और सर्दी बहुत ज्यादा है, और अभी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो सर्दी मजीद होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे होंगे, मेरे चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर लें। और आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे पीछे जो जगह है तो हम लोग गांव आए हुए हैं। मैंने अपने बहुत सारे पहले व्लॉग्स में आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने गाँव जाना था, मैं नहीं जा सकी और इस तरह, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपना गाँव दिखाऊँगी और घर का भी टूर शोर करवाऊँगी। अच्छा मैंने आप लोगों को रास्ता भी दिखाया होगा और कि इतनी अच्छी ये देखें आप पीछे से, तो बहुत अच्छा और खूबसूरत रास्ता है। रहमा जो है अपने बाबा की गोद में सो रही है और वो पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है। हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग जैसे ही पहुंचेंगे तब अंधेरा हो जाना है। और ठहरे मैं आपको अपने पीछे जो जितनी भी जो लोकेशन है वो दिखाती हूँ। अच्छा गांव जाने का रास्ता मैंने अपने व्लॉग में बहुत ज़्यादा ऐड किया है, वो इस वजह से कि बहुत खूबसूरत रास्ता है, ये आप देख भी सकते हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा क्लिप्स जो हैं वो इस व्लॉग में ऐड किए हैं जो रास्ते के हैं। It is down. Stop crying. It is already down. Can't you see? It's down. I will remove this. इसकी ये जैकेट इसको तंग कर रही है ना ऊपर। मैंने वो इसकी मैडम जो पीछे गाड़ी आ रही है। अब ध्यान से फाद आगे से कोई गाड़ी आ रही हो। अरुण दिया करो। देख रहे हो जी, देख रहे हो जी, देख रहे हो। आप देख रहे हो बाद में देश में कई लोग अगले को वो पता नहीं आ रहा नहीं जाना। अब पुराने हो गए यार, अब गाड़ी चलाने लग गए, अब इजी हो गया। गाड़ी पीछे दाई चला रहे, तुमने देखना भाई। ये विशाल वो ज्यादा लोगों का जगह है। विशाल हाँ जी, वो ज्यादा लोगों के घर है इसके पीछे। अच्छा अच्छा ये गांव है। हाँ सही, वो जबरा है। कौन सा वो सामने? ये यहाँ पे जो है ना रहने वाले या बहुत टाइम से रहने वाले या आने जाने वाले लोगों को कैसे पहाड़ियों के और घरों के नाम इवन भी पता है। ये देखें और ड्रामा सीट पे है पता है। ओ यार चलो यार
वो देखेंगे रास्ता आ रहा है। अच्छा, रहमा के चाचू के जो पोज आपने देखे गाड़ी के ऊपर बैठे हुए, तो वो उसकी वजह से रहमा के दादा वो बोल रहे थे रहमा के चाचू को कि ये कौन सा तरीका है तस्वीरें खिंचवाने का। हाँ जी, एक सेकंड रुक जाओ, गाड़ी गुजरने दो। आओ ना पीछे आओ। हाँ मैं काम पे चल रही हूँ। कोई बता रहा है पर नहीं अच्छा, ये सामान हम लोग लेके जा रहे हैं घर से रखने के लिए। Keep walking. फटना जाए फास्ट। अभी चलते जाओ। ये देखिए कितना प्यारा है। और वो देखिए माल्टो का दरख्त लगा हुआ है। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 4:30 हो रहे हैं और हम लोग सामान लेके जा रहे हैं दूसरे घर। गो गोद गोद पकड़ लो, गोद पकड़ लो, मुझे पकड़ा देंगे। There is a goat over there as well. We have to meet black goat. This goat waiting for us. Say bye bye. Bye bye. We are going to other goat. There is goat waiting for us over there. क्या बेटा? ठीक है आप? रहमा ने अलग से एक शोर मचाया है कि उसने बाबा के साथ चलना है, बाबा का हाथ पकड़ना है और किसी के साथ नहीं। तो वो अपने बाबा के साथ आ रही है, भी हो सकता है। सर्दी लग रही थी। टूटे क्या कैसे? हमारे ताला तोड़ा। अच्छा, ये मेरे घर का ना बैक साइड है, ठीक है। ये टीवी लॉन्च की। गो गो टू बाबा, गो टू बाबा। अच्छा, ये जो है ओपन एरिया जो जिसे आप कह लें लाउंज है या ड्राइंग रूम है, उसकी विंडो है। ये किचन की विंडो और ये बाथरूम की, और ये जो बेडरूम है उसकी। और ये देखें, ये पीछे से भी एक यहाँ पे ना दरवाज़ा है जो पिछली साइड पे खुलता है, ठीक है। और ऊपर छत है। तो ये अम्मी मेरी ना कुछ टाइम पहले आई थी, उन्होंने ये सारा साफ़ सुथरा करवाया था, लेकिन अब तो खैर 2-3 महीने से बंद है, तो क्या 2-3 महीने की सफाई। और वो नीचे मेरे मामू का घर है, ताला टूट गया जी। अच्छा, ये जो मैंने अपने घर का ताला तोड़ा है ना, तो इसकी वजह अक्सर ये होती है कि कभी जो कीज़ हैं वो अम्मी के पास होती हैं और कभी कीज़ मेरे पास होती हैं। जब अम्मी के पास हो तो मैं फिर, मेरा अचानक से प्रोग्राम जब बनता है ना पिंडी से गाँव जाने का, तो फिर मुझे ताला इसी तरह तोड़ना पड़ता है। सफाई वगैरह हुई भी है। यहाँ पे जो अलमारी है वो भी ना अंदर गई हुई है। अच्छा, ये हमारा सडन प्लान था संडे को, तो हम लोग फिर सुबह गांव के लिए निकले और रात को ही फिर हम लोग पिंडी वापस पहुंचे हैं, क्योंकि रहमा के दादा बू ने मंडे को जाना था ड्यूटी पर। गांव पहुंच गए हैं, हमें पहुंचे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया, ठीक है। हम लोगों ने वेट सर, जो सामान वगैरह पहुंचे हुए भी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। और हम लोगों ने घर का आपने देखा होगा ताला भी तोड़ा है और जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो निकाली हैं।
और उसके बाद अब वो चीज़ें हम लोग हेल्प के थ्रू जो है वो गाड़ी तक पहुँचाई है, पहुँच पाई है बल्कि। और इसके बाद मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी लोग में, आप देख सकते हैं कि गांव कितना अच्छा है मेरा। शाम का टाइम है, मगरिब का टाइम है, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी ये कंटिन्यू है, तो चलें जो भी मैं आगे जहाँ जाऊंगी या जो भी करूंगी आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगी। ये जा रही है रहमा अपने बाबा के साथ, मगरिब का टाइम हो गया, बल्कि मगरिब हो चुकी है, सामान भी हमारा गाड़ी तक पहुँच गया, जो भी सामान हमने लेना था और यहाँ पे हमने सामान रखना भी था, कुछ ऐसा सामान था जो हमें अभी ज़रूरत नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम क्या उसको लेके बार बार ट्रैवल करते रहेंगे, तो उसको हम लोग गांव में घर में रख लेते हैं। तो वो सामान रखा है और अंकल आंटी कह रही हूँ मैं, रहमा के दादा दादी शायद गाड़ी के पास वेट कर रहे हैं,